तो गाइस आज होली है तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू एवरीवन। एंड सेकंड चीज भाई, आज अपना आ रहा है गोप्रो। अभी हम निकल रहे हैं फटाफट गोप्रो लेने। आज है 7 तारीख, आज होली का दिन है और आज के दिन ही अपना गोप्रो आ रहा है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी मैं फटाफट रेडी हो जाता हूँ, बाइक निकालते हैं। और मैंने हेलमेट का शीशा वगैरह, हेलमेट बिल्कुल चमका लिया है क्योंकि अपना गोप्रो लगना है हेलमेट पे। बाकी मुझे अभी बाइक भी साफ करनी है, रेडी भी होना और फिर निकलना भी है। तो भाई बहुत मजा आने वाला आज। तो आज अपना गोप्रो आएगा, जिस दिन का इतना इंतजार था भाई, बहुत वेट कर रहा था मैं गोप्रो के लिए और फाइनली आज हम लेने जा रहे हैं। तो मैं फटाफट रेडी हो जाता हूँ और फिर अपन लोग निकलते हैं। तो सुबह सुबह मम्मी ने बनाई है आलू गोभी रोटी खीर। खीर मैं खाता नहीं हूँ तो मैं फटाफट रोटी खा के निकलता हूँ। सो गाइस, खाना वाना खा के अपन लोग हो गए बिल्कुल रेडी, मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ। तो फटाफट बाइक निकालते हैं और चलते हैं। और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं बता नहीं सकता आपको। लेकिन अभी फिलहाल मैं बाइक निकालता हूँ और चलते हैं, लेट ना हो जाए, ट्रैफिक जैम में ना फंस जाए। तो चलते हैं, तो लड्डू से आशीर्वाद ले लेते हैं। बाय। मैंने अभी बाइक साफ नहीं करी है क्योंकि बाइक काफी ज्यादा गंदी हो रखी है नीचे से। तो मैं सोच रहा हूँ इसको धुलवाई लाएंगे तो साफ करने का कोई फायदा नहीं है, प्रॉपर साफ होगी भी नहीं, तो धुल के अच्छी साफ हो जाएगी। मैंने सिर्फ हेलमेट क्लीन करा है। तो अभी फटाफट चलते हैं अपन। रेडी हो चुकी है और फाइनली अपने चैनल के लिए आज गोप्रो आ रहा है। गंदी हो रखी है ना मिट्टी, पिछले टायर की वजह से काफी मिट्टी लग रखी है, इसको धुलवाएंगे आज प्रॉपर। बाय जैकू। तो हमने बाइक निकाल ली है तो फटाफट चलते हैं। तो गाइज, यहाँ से बस अब 20 मिनट का रास्ता रह गया है मेहरौली का। तो बस हम पहुँचने वाले हैं अपने गोप्रो के पास। फिलहाल अभी रेड लाइट है तो मैंने सोचा यहाँ रुक के थोड़ी सी क्लिप बना लूँ। बाकी जब गोप्रो आ जाएगा तब ये टेंशन नहीं रहेगी कि फ़ोन निकाल के क्लिप बनानी है, और जब बाइक रुकेगी तभी क्लिप बन सकती है। फिर तो चलते चलते भी अपन क्लिप बनाते चलेंगे। व्यू काफ़ी प्यारा लग रहा है, हरियाली हरियाली। सो मेहरौली में हैं हम, बस पहुँचने वाले हैं। टाइम हो रहा है 11:56 और पेट्रोल कम हो चुका है तो पेट्रोल भी डलवाना है। खर्चा खर्चा भी है। हम कुतुब मीनार के सामने, अब यहाँ से कहाँ है मैं मैप में लोकेशन डाल लेता हूँ। बाकी ये है कुतुब मीनार मेहरौली में और काफ़ी भीड़ है, वहाँ से शायद एंट्री गेट है। हम लोकेशन पहुँच गए हैं मेहरौली पुलिस स्टेशन के पास। उन्होंने बुलाया था जिनसे हम कैमरा लेने आए हैं, तो वो भैया आ रहे हैं बस। बाकी रोड पे लगा हुआ है होलिका दहन का सामान प्लस गुलाल। आज होली है और कल दुल्हनडी है, तो आज होलिका दहन का भी व्लॉग दिखाऊंगा मैं आपको कि हमारे गांव में होलिका दहन कैसे होता है, वो शाम को होगा। यही चैनल है भाई, अभी बनाया मैंने इस टाइम पहले। तो आप आगे से घूमने, सिर्फ आवाज़ सुनने आए हो आगे से घूम के? चलो थैंक यू भाई। तो भाई लोग आगे से घूम के आए हैं बाइक देखने और भाई फोटो खिंचा रहे हैं। ड्रीम बाइक है भाई ये लॉन्डो की। तो अभी हम आ गए हैं भैया के घर। और यार कुतुब मीनार के आसपास वाला इलाका तो थोड़ा सा खुला था लेकिन भैया घर थोड़ा मार्केट में, बाइक अपन को यहीं लगानी है क्योंकि यहाँ से नाली टूटी हुई है तो बाइक अंदर जाएगी नहीं। पर सामने खड़े हैं भैया, कैसे हो? भाई ब्लॉगिंग कर रहा है अभी। बिल्कुल यार, ग्रीनरी वहाँ पर रखा अपना हेलमेट। अब आ गए अंदर, पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, भैया को मैंने भेजा पानी लेने। बाकी ये रहा अपना गोप्रो का बॉक्स और भैया आ जाएंगे तो वही खोलेंगे और उनसे ही मैं हाथ के हाथ यहाँ पे फिट भी करवा लूँगा अभी। तो ये कितने का है, क्या सीन है, क्या क्या एक्सेसरीज है, ये तो मैं घर जाके अच्छे से डिटेल में बनाऊँगा। गोप्रो की ABCD का ए भी नहीं आता, कुछ भी नहीं पता, तो मैं अभी बैठ के भैया से पूछूँगा सारी चीज़ें, कैसे आईफोन में ट्रांसफ़र होगी इसकी वीडियोज़, क्योंकि डेली बनाऊँगा तो डेली ट्रांसफ़र करनी है, डेली ही वीडियो एडिटिंग करनी है तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। और भाई के यहाँ पे दो प्यारे प्यारे कुत्ते डोगू।
गुस्से में भाई ये तो गुस्सा हो गए। क्लिप क्यों बना रहा हूँ इनकी। ठीक है सॉरी बाय 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 गलती हो गई। जर्मन शेफर्ड गोल्डन रिट्राइवर तगड़ा है तो अब आए हैं एटीएम में। भाई हेलमेट में माइक फिट कर रहे हैं। अभी हम आए एटीएम में, कैमरा ले लिया, अब उनको पैसे देने तो पैसे निकाल लेता हूँ। तो गाइस फाइनली हमने गोप्रो ले लिया है और पूरा सेटअप हो गया है। वो हुआ कैसे कैसे वो तो भाई ने ही किया है, ये मैं आपको घर जाके समझाऊंगा, पहले मैं खुद समझ लूँ। लेकिन फिलहाल आपको कैसा लग रहा है ये क्लिप मैं डालूंगा। अभी तो मेरे को ढंग से ये भी नहीं आता कि मैं कैसे ट्रांसफ़र करूँगा इसको, लेकिन वो ये मुझे YouTube पे चेक करना पड़ेगा और कल सुबह मुझे व्लॉग डालना है, तो आज की मेहनत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। प्लस ये व्लॉग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो भाई आपको आज के व्लॉग दो दिन में मिलेंगे क्योंकि आज होलिका दहन भी है, तो उसका एक प्रॉपर अलग से व्लॉग बनेगा। ये वाली क्लिप पहले व्लॉग में रहेगी। तो फिलहाल गाइस टाइम हो रखा है 4:49, हम घर पहुँचेंगे लगभग 6 बजे तक। उसके बाद मैं व्लॉग को एंड करूँगा और रीस्टार्ट करूँगा व्लॉग को, क्योंकि आज के 2 व्लॉग होने वाले हैं। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करने वाला हूँ एक व्लॉग को, तो 2 में कर दूंगा मैं। आपको पता है मैं दिल्ली में ट्रैवल कैसे करता हूँ? मैं मैप लगाता हूँ, ईयरफोन्स कान में लगाई, मेरे को मैप देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं ईयरफोन से सुनता रहता हूँ नेविगेशन जो गाइडेंस देता रहता है, लेफ्ट जाना है राइट जाना है। तो फिलहाल अभी भी मैंने वही कर रखा है। तो अब तुम्हारा भाई बन चुका है प्रॉपर व्लॉगर, मोटो व्लॉगिंग भी शुरू हो गई है और डेली व्लॉग तो अपने चल ही रहे थे। और क्या ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है भाई बाइक चलाने में अब, क्योंकि मुझे पता है सब रिकॉर्ड हो रहा है। बस अब एक कमी रहेगी, अपनी बाइक का एक प्रॉपर सा नाम रखना पड़ेगा, बढ़िया सा। मेरे माइंड में 1-2 नाम है, आप भी 1-2 सजेस्ट कर दो। बाइक चलाने का मज़ा अब दुगना हो गया है क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लोग देख रहे हैं, तो मुझे चलते चलते जो मेरे मन में आते हैं ख्याल, बात करने के आपसे, आपको बताने के, तो वो भी अब रिकॉर्ड होंगे। लेकिन यही है यार, GoPro की बैटरी थोड़ी सी है ना कम चलती है, लेकिन फिलहाल हमने GoPro ले लिया है। हाँ यार, पर पैसे बहुत ज़्यादा चले गए, बाइक में भी और GoPro में भी काफ़ी ज़्यादा पैसे लग गए। अब वो कितने पैसे लगे हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, ये तो मैं आपको आराम से घर पे बैठ के बताऊँगा। फिलहाल आप राइड का मज़ा लो। इसी चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है, ट्रैफिक जैम। क्या ही दिखाऊँ मैं आपको, अब देख रहे हो ग्रीन लाइट हो रखी है लेकिन लोग अभी भी धीरे धीरे सरक रहे हैं। चल लो भाई चल लो, मुझे मेरे घर जाना है, चलो, क्योंकि यार कमर टूट जाती है। आपको पता है भाई, मुझे दिल्ली के एक कोने से अपने घर पहुंचने में लग जाते हैं 2 से 2.5 घंटे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रैफिक जैम। और जो जयपुर वाला हाईवे, दिल्ली जयपुर वाला हाईवे है, आपको पता है उस पर चढ़ने के बाद मुश्किल से ये लगा लो दिल्ली और जयपुर का डिस्टेंस अब 2 घंटे का रह गया, 1.5 से 2 घंटे का जो हाईवे बना हुआ है। अब दिल्ली से भी जयपुर तक का भी इतना टाइम लग रहा है और दिल्ली से दिल्ली पहुंचने तक का भी टाइम सेम लग रहा है, क्या डिफरेंस है बताओ यार। ऊपर से दिल्ली से जयपुर जाना आसान हो गया है क्योंकि उसमें बाइक चलती रहती है, यहाँ ट्रैफिक में रुक रुक के हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम जयपुर जाएँ। बट चलो कोई बात नहीं, बट अपनी बाइक का ये फायदा है। ऐसे निकल जाती है अपनी बाइक। अब मैं अपनी बाइक का नामकरण करने वाला हूँ, अगर आप लोगों के पास सजेशंस हो तो कृपया करके प्लीज़ कुछ सजेस्ट करो, वरना मैं इसके लिए कुछ सोचने वाला हूँ फिर। तो इस टाइम हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है कार में, और वो शायद अपने बेटे के लिए रिकॉर्डिंग कर रही हैं। अच्छा लगा अपनी बाइक की तारीफ हो गई, अभी मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डे में से एक है, मज़ा आ रहा है काफ़ी। लेकिन ये ट्रैफिक में रुकने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है यार। कोई बात नहीं, अपने पास बाइक है उसका फ़ायदा उठाते हैं, चूहों की तरह आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले इनको करते हैं अंदर क्योंकि ट्रैफिक जाम में ऐसे ही चलती है बाइक। ओह शिट, ओके जगह नहीं थी, ओके 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 ओके
ओके इतना बहुत है। ओ शु हटो 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 भाई, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, थोड़ी सी जगह दे दो, थोड़ी सी जगह दे दो अंकल, बस 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 सब खुला रोड है। सो वी आर टेंशन फ्री नाउ गाइज। अलग से ना मैं वीडियो बनाऊंगा कि टॉप स्पीड कितना जाती है, लेकिन उसके लिए पहले मैं चेक करूंगा कि कौन सा रोड मुझे मिल सकता है खुला और किस टाइम। या तो सुबह सुबह बनेगा व्लॉग उस चीज़ का, टॉप स्पीड का। बाकी इसकी 0 to 100 तो मैं किसी भी रोड पे बना दूंगा। और अभी हैं हम छावला में, घर यहाँ से है मात्र 10 मिनट की दूरी पे। यहाँ पे मेरा स्कूल था, इसके अंदर ये BSF कैंप है छावला के अंदर हमारे। फिलहाल हम पहुँच रहे हैं घर और ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, तो मैं फटाफट घर जाते ही सबसे पहले इसको एंड करूँगा ताकि दूसरा व्लॉग शुरू कर लूँ। मुड़े मुड़े पीछे मुड़े लोग पीछे मुड़े, मैं थोड़ा आराम से चलाता हूँ ताकि रिएक्शन दिखे आपको। हम आ गए छावला में। बालकों के रिएक्शन, बालकों के रिएक्शन देख लो भाई, बच्चे तो खुश हो जाते हैं भाई ये बाइक देख के लिटरली। मुड़ी मुड़ी गर्दने मुड़ी, हाँ हाँ साइड दे रहा, आ रहा हूँ भाई आइए, आ रहा हूँ देख ले भाई। लोगों की तो गर्दन घूम ही जाती है इस बाइक को लेके, और मुझे जब खुशी मिलती है ना भाई यार, वसूल हो गए पैसे। ये है अपने गांव का रास्ता, तो अब हम आ गए हैं अपने गांव वाले रोड पे। सो हम आ गए हैं घर फाइनली, 6:30 बजने वाले हैं। तो बाइक कर देता हूँ मैं फटाफट अंदर, व्लॉग करता हूँ एंड। सो गाइस अब मैं आ गया हूँ घर, और GoPro के साथ मोटो व्लॉगिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि आप लोग ही मुझे बताओगे कि कैसी लग रही है सारी चीजें, पसंद आ रही है नहीं आ रही है। बाकी फिलहाल ये व्लॉग काफी ज्यादा लंबा हो गया। तो आज होली है, तो होली का दहन का व्लॉग इसके बाद मैं जस्ट अभी शुरू करूंगा, लेकिन पहले इसको एंड कर दूं क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा हो गया। करते हैं यहीं पे एंड। अगर पसंद आया तो कमेंट्स में बताना, और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना इस व्लॉग को। मिलते हैं अगले व्लॉग में जल्दी ही, तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू।